तो फाइनली वीकेंड न्यूज की बारी आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ एपिसोड के साथ। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है ओवरलेस क्लोथिंग के रिलेटेड। ओवरलेस का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मंडे 20 दिसंबर को, जो कि आप overlessclothing.com पे जाके परचेज कर सकते हो। सबसे पहले न्यूज आती है इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम बहुत ही जल्द यूजर्स को 60 सेकंड तक की स्टोरी डालने को अलाउ करेगा। अभी इंस्टाग्राम की स्टोरी 15 से 30 सेकंड तक रहता है, बट बहुत जल्द आप 60 सेकंड तक की स्टोरी भी डाल सकते हो। टेस्ला को और 3 नए कार लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया इंडिया में। मैं बहुत ही एक्साइटेड टेस्ला के कार्स कैसे रहेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंडिया के TWS मार्केट के लिए। इंडिया इस बार TWS मार्केट में 92% से ग्रो हुआ है Q3 में, और TWS मार्केट में सबसे टॉप ब्रांड्स थे बोट नॉइज एंड बोल्ट। नेक्स्ट न्यूज़ आती है एप्पल के। एप्पल ने इस साल का ईयर एंड कर दिया है 3 मिलियन के वैल्यू पे। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन एप्पल के लिए, और ये एप्पल को हेल्प करता है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनने। नेक्स्ट न्यूज़ आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स ने नए प्लान लॉन्च कर दिए, मतलब 149 रुपीज का एक महीने का प्लान लॉन्च कर दिया है, और बहुत ही ज्यादा प्लान के प्राइस ड्रॉप हो गए। तो नेटफ्लिक्स के नए प्लान्स के प्राइसेस, क्या आपको ये प्राइस अच्छे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट न्यूज आती है ट्विटर के रिलेटेड, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट हैक हो चुका ट्विटर का, और उनके ट्विटर से बहुत सारे बिटकॉइन के ट्वीट आ रहे थे, बट ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर लिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है OnePlus यूजर्स के लिए, मतलब OnePlus 10 Pro के स्पेक्स लीक हो चुके हैं। इसमें Snapdragon 8 Gen 1 आएगा, और बहुत ही ज्यादा नए तगड़े फीचर है। फोन मोस्ट प्रोबेबली शायद मार्च या अप्रैल में लॉन्च होगा। क्या आप इसके फोन के लिए एक्साइटेड हो? कभी आपने सोचा है कि एक स्मार्ट वाटर बॉटल भी हो सकती है? तो Huawei ने एक स्मार्ट वाटर बॉटल लॉन्च करी है, जिसमें ऑटोमेटिकली पानी गर्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली पानी ठंडा भी हो जाता है, और वो आपको पानी पीने के लिए रिमाइंड करता है, और बहुत सारी अलग चीजें। क्या आपको लगता है ये इंडिया में लॉन्च होना चाहिए था? नेक्स्ट न्यूज़ है PUBG की तरफ से, मतलब PUBG PC नेक्स्ट ईयर 2022 से सभी के लिए फ्री हो जाएगा, मतलब जो भी PC यूजर्स है वो फ्रीली PUBG को इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है जो कि इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में रही है, वो है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपना फर्स्ट फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है, ओप्पो फाइंड N, और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका साइज सैमसंग के फोल्डेबल से थोड़ा कम है, बट मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, और हम ट्राई करेंगे इसके हैंड्स ऑन वीडियो बनाएं। मतलब वो गूगल क्लास तो याद था, सेम वैसे ही ओप्पो ने अपना एयर ग्लास भी लॉन्च किया है, उसमें आप AR का पूरा ही एक्सपीरियंस कर सकते हो एक चश्मे से बस। नेक्स्ट ओप्पो ने एक फोटोग्राफी के लिए स्पेशली चिप भी अनाउंस किया है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, बट लेट्स सी क्या होता है। सबसे लास्ट न्यूज आती है जियो की तरफ से। जियो ने इस हफ्ते सबसे चीपेस्ट प्लान लॉन्च कर दिया, वो भी 1 रुपए का, मतलब 1 रुपए का प्लान जो कि 30 डेज की वैलिडिटी के साथ रहेगा, और उसमें 100 MB का डेटा मिलेगा। 1 रुपए में 100 MB, इतना चीपेस्ट वैल्यू वो भी डेटा का, वो आई थिंक इंडिया में ही होगा। मुझे पर्सनली लगता है 1 रुपए वाला प्लान बहुत ज्यादा काम हो सकता है कभी कभी। क्या आप ये प्लान परचेज करोगे कमेंट सेक्शन में बताना। तो बाकी इस वीक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।